मुफासा द लायन किंग एक नई कहानी का आगाज। मुफासा की नवीनतम फिल्म इस साल रिलीज होगी और इस मूवी का लायन किंग फ्रेंचाइज के सभी उम्र के प्रशंसक इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह फिल्म 20 दिसंबर 2024 को रिलीज होने वाली है, जो क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान एक ट्रीट के रूप में काम करेगी। लंबे इंतजार के बाद डिज्नी ने आखिरकार मुफासा द लायन किंग का बहुप्रतीक्षित ट्रेलर जारी कर दिया है, जिसे 2024 में रिलीज किया जाना है। यह आगामी फिल्म द लायन किंग के लाइव एक्शन रीमेक का अगला भाग है, जो पहले रिलीज होने पर एक बड़ी हिट बन गई थी। डिज्नी ने आखिरकार इस फ्रेंचाइजी के प्रशंसकों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है, जो अपने आकर्षक और मनोरंजक कंटेंट के कारण सभी आयु समूहों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। मुफासा की नई फिल्म, कहानी, समय, रिलीज की तारीख। इस फिल्म का निर्देशन बैरी जेनकिंस ने किया है, जिन्होंने पहले मूनलाइट पर काम किया है। नई कहानी सिम्बा के पिता की पिछली कहानी पर प्रकाश डालेगी, जिसे रफीकी ने सुनाया है। मुफासा की नई फिल्म भी एक फोटोरियलिस्टिक लाइव एक्शन फिल्म होगी, जिसमें इसकी पिछली फ्रेंचाइज फिल्म से एक अनोखी समानता होगी। फिल्म में अफ्रीकी जंगल के इलाकों की पृष्ठभूमि में असली जानवरों के रूप में एनिमेटेड किरदार होंगे। मुफासा द लायन किंग के ट्रेलर में मुफासा को बहुत कम उम्र में दिखाया गया है, जिससे पता चलता है कि मुफासा की समय रेखा संभवतः द लायन किंग की फ्रेंचाइज से 5 से 8 साल पहले शुरू होती है। जब द लायन किंग रिलीज हुई थी, तब मुफासा को एक पूर्ण विकसित शेर के रूप में दिखाया गया था, जो इस फिल्म में नहीं होगा। स्क्रीन रेंट के अनुसार यह संभव है कि मुफासा आगामी फिल्म में एक बच्चा के रूप में अपनी यात्रा शुरू करे। चूंकि डोनाल्ड ग्लोवर और बेयोंसे इस फिल्म के लिए सिम्बा और नाला के रूप में फिर से अपनी आवाज देंगे, इसलिए यह कहा जा सकता है कि मुफासा द लायन किंग पिछली फिल्म की अगली कड़ी के रूप में भी काम करेगी। यह उन दुर्लभ उदाहरणों में से एक हो सकता है जब कोई फिल्म एक फ्रेंचाइजी फिल्म की प्रीक्वल और सीक्वल दोनों होगी। मुफासा द लायन किंग से क्या उम्मीद करें? मुफासा द लायन किंग छुट्टियों में एक ब्लॉकबस्टर मनोरंजन के रूप में काम करेगी, जिसमें कुछ उल्लेखनीय कलाकार अपनी आवाजें इस फ्रेंचाइज में देंगे। स्क्रीन रेंट की रिपोर्ट के अनुसार आरोन पियरे को फिल्म में मुफासा की युवा आवाज के रूप में चुना गया है। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। आगामी मुफासा द लायन किंग में मुफासा के पीछे की आवाज कौन होगा? आगामी मुफासा द लायन किंग में मुफासा के पीछे की आवाज एरोन पियरे होंगे, जिसे इस साल के अंत में क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान रिलीज किया जाना है। मुफासा द लायन किंग कब रिलीज हो रही है? मुफासा द लायन किंग 20 दिसंबर 2024 को क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान रिलीज होगी और सभी आयु समूहों के लिए एक ब्लॉकबस्टर मनोरंजन होने की उम्मीद है।